सोनू सिंह राजपूत है और इसके पहले मैं क्लोजियम के साथ एसोसिएट था एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। वहाँ से मैंने 3-4 शो किए, एक कलर सिस्ते का शो आता है, कलर सिस्ते पे जो आया था स्वच्छ भारत मिशन पे क्लीन इंडिया पे, तो वो शो किया था। दैन उसके बाद सावधान के बहुत सारे एपिसोड किया, उसके बाद इनका शो आया था रोडीज, उसमें भी एसोसिएट था। दैन स्पीड सिलेक्ट हुए उसमें भी था, एंड एक हसल आ रहा है MTV पे भी हमारा शो, वो भी क्लोजियम का था, तो उसका भी मैं पार्ट कर चुका हूँ। सर इसमें भी एक शॉर्ट सी कहानी है, बहुत मतलब चीज़ें जुड़ी है इससे, इमोशनल है। क्या हुआ कि जब मैं कास्टिंग में आया तो कास्टिंग आने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं करूँ क्या, मतलब वो मुंबई तो आ गया, जॉब छोड़ दिया, जॉब के लिए मैंने ट्राई किया तो बस वही बात है, उधर सैलरी ज़्यादा थी, इधर कम मिल रहा था, एक्सपीरियंस भी था, फिर भी लोग तो एक होता है ना कि अगर आप कहीं मैनेजर हैं आपको एक्टिविटी बनाया जाए तो वो एडजस्ट नहीं होता। फिर मैं कास्टिंग में आने का सोचा, कास्टिंग में आने के बाद थोड़ा मैं घूमा, 2-4 दिन घूमा, पता किया लोग कहीं ना कहीं किसी से परेशान थे, या तो कोई रूड बोलता है उससे परेशान है, या फिर कोई मतलब फ्लर्टी होता है। बट मैंने क्या सोचा कि मेरा जो प्लस पॉइंट है कि मैं काम से मतलब रखता हूँ, क्लियर करता हूँ अपने लाइफ में कि हाँ भाई हाँ तो हाँ, ना तो ना, मेरे से चापलूसी नहीं होगी, तो शायद लोगों को वो चीज़ पसंद आए, आर्टिस्ट को वो चीज़ पसंद आए कि कोई बंदा है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, वही मेरा प्लस पॉइंट था। और आज भी मैं सिर्फ अपने मेहनत और काम पर ही यकीन करता हूँ, आपसे काम होगा तभी मैं आपको मैसेज करूँगा, ये नहीं कि है खाना खा लिया खाए, ये सब चीज़ें मैं दूंगा, मेरा मकसद वही है। सर जो नया स्ट्रगल है वो आपसे कैसे जुड़े हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर है तो? सर लोग आते हैं मिलते हैं, मेरे में क्या होता है कि बेसिकली लोग ये कहते हैं इंस्टी में कहते हैं कास्टिंग अगर रिप्लाई नहीं करते ढंग से, चाहे मतलब मिल नहीं सकते, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मली मैं सबसे मिलता हूँ, मेरा नंबर चाहिए नंबर ले जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हो तभी मैं भी तो कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। वो कहते हैं ना चूली दामन का साथ है हम लोग का, आर्टिस्ट नहीं तो कास्टिंग डायरेक्टर कैसे, और कास्टिंग डायरेक्टर नहीं तो आर्टिस्ट कैसे, जिसके पास नया टैलेंट है, जिसके पास डेटा है, जिसके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, वही तो कास्टिंग डायरेक्टर सबसे बड़ा है। जी ये सच है कि अभी मेरे 11 अगस्त को जो अभी गया 2 दिन पहले, वो मेरा 2 साल कम्प्लीट हुआ इस इंडस्ट्री में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट किया था आज आपके सामने ऑप्टिमिस्टिक में हूँ एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में ही मेरी बात एजुकेशन वगैरह भी है। दिल्ली में मैं बैंकिंग सेक्टर में था जी, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी मेरी जॉब थी, न्यूज सेक्टर में भी था, थोड़ा इवेंट वगैरह करता था उधर, तो शौक था थोड़ा सा कि कुछ अलग करने का, दोस्त के साथ आया था इधर, कहते ना कभी कभी बेवजह चीज़ें भी वजह बन जाती है आपको, उसी में से ये था, ट्राई किया, थोड़ा टफ था, काफ़ी स्ट्रगल भी किया उस टाइम पर जितने भी थे, बट ठीक है करना था, मन किया करना है तो करना है। बेसिकली यहाँ बॉलीवुड में आने के बाद इस टेलीविजन इंडस्ट्री में आप किसको श्रेय देते हैं कि आपको किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा जिसकी वजह से आप 2 साल के अंदर ही, क्योंकि लोगों का स्टार्टिंग पीरियड होता है, लोगों को कई साल लग जाते हैं, आप फिर भी व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और कास्टिंग डायरेक्टर होना इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। देखिए सब कुछ का तो श्रेय मेरे जो सीनियर हैं जिनसे मैं सीखा हूँ, एक विशाल गुप्ता है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, मतलब मैं उनको ये थिंक था कि तू कुछ भी कर सकता है, वो हमेशा ही कहते थे कि यू कैन डू एनीथिंग बेटा, तू बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है। उसके बाद मेरी लास्ट कंपनी के जो सीनियर थे पुष्कर सर, मेरा एक दोस्त है कबीर भरद्वाज, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, उसने भी हमेशा सपोर्ट किया, और मेरी एक फ्रेंड थी जिसके वजह से इधर आया। और अच्छा तो आज पहले दौर होता था कि हमेशा चिकने चेहरे या हैंडसम या तो फिर एकदम खूंखार चेहरा उन्हीं को काम मिलता था, आज तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रह गया है, किसी भी रंग रूप का कोई भी कैसा, आप भी देखने में कोई बुरे नहीं लग रहे हैं, हाँ ठीक है आप चॉकलेटी बॉय ऋतिक रोशन जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैविंग ए गुड पर्सनैलिटी। तो आपने एक्टर बनने की वजह कास्टिंग में ही आ गया, सर इसमें भी जब कोई रोल कर रहे हैं क्या कभी? नहीं सर मैं कभी भी एक्टर बनने का नहीं सोचा हूँ, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं एक्टर बनूँ, मैं फोकस्ड हूँ अपने काम पे, और कहीं ना कहीं वो फोकस्ड ही है कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, तो आज मैं इतने समझता हूँ, दिमाग इधर उधर ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, बिलीव करता हूँ जिस पर, हाँ सपना है प्रोड्यूसर बनूँ जो सबका होता है जो लोग, बट मैंने कभी इसके लिए नहीं सोचा। इसका मतलब आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप मतलब किसी को मस्का नहीं लगा, जिसको हमारी फिल्मी भाषा में कहा जाता है कि मुझे काम दो, तो ऐसे डायरेक्टर ऐसे प्रोड्यूसर बन के आप क्या आप उम्मीदें हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? देखिए मैं मेरा यही सपना है कि मैं एक अच्छा जैसे कास्टिंग डायरेक्टर में हूँ और भी इसमें काम करूँ, और जब कुछ हो जाए मेरे को लगे कि आई डिजर्व कि मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ चीज़ें तो मैं करूँगा, अभी सीख ही रहा हूँ।
आप लोगों के सामने जो भी सीख रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ। आपके क्राइम पेट्रोल के जो निर्माता हैं बीपी सिंह जी, इनके कई वर्षों से, मेरे ख्याल से ये भी एक रिकॉर्ड बनते जा रहा धीरे धीरे, क्या कितने वर्ष हो गए उन्हें बॉलीवुड में टीवी इंडस्ट्रीज में, और ऐसे सफलतम निर्माताओं में से एक है जी। तो क्या आपको लगता है कि आगे जाकर इन्हीं के कोई आप एपिसोड भी खुद ऐसे डायरेक्ट करने लगेंगे? क्योंकि एपिसोड डायरेक्टर होना है इसे एज गुड एज एन डायरेक्टर होना है, क्योंकि आप जो जिसको फाइनलाइज करते हैं तो वो किरदार उसमें वो निभाना चाहिए। नहीं, बात आपकी सही है सर, भी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बीपू साह, चाहे मेरे नीरज सर जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर, ये लोग खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब एज ए प्रोड्यूसर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर इतने पैसे एक होता है ना, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन ये ऑफिस में खुद भी 8 से 10 तक बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो देख के एनर्जी मिलता है कि अगर एक प्रोड्यूसर इतना मेहनत करता है तो हम तो एम्प्लॉय है ना, हम तो कास्टिंग डायरेक्टर है, हम क्यों नहीं करें। तो ये सब चीज़ें, उनसे एनर्जी बहुत मिलती है, पॉजिटिव वाइब बहुत मिलती है करने का। देखते हैं आगे, अभी तो कोशिश जारी है, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, बाकी भगवान। आप अपनी तरफ से आने वाले जो लड़के लड़कियां जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो काम के लिए, मांग क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, जो मैंने चीज़ें को ऑब्जर्व किया है ना, लोग आते हैं इंडस्ट्री में एक्टर बनने, एक्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन मैं जो मतलब ऑब्जर्व किया हूँ वो एक्टिंग पे कम, जिम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बॉडी बन जाएगी तो काम मिल जाएगा, लेकिन उससे कभी नहीं मिलता। 100% देना, आज का जो ना 100% देने वाला नहीं, 110% देना होता है आपको कुछ करने के लिए, क्योंकि आजकल टैलेंटेड लोग बहुत हैं, मेहनती भी बहुत है, लोग वहाँ से आते हैं अच्छे दिखते हैं कि बस एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना है, लेकिन एक्टिंग करना है सर, आप एक्टिंग के लिए आओ ना, उसमें 100% दो ना। आधा टाइम आप जिम में दे देते हो, जो टाइम पूरा बचता है वो बीच पे दे देते हो, 10% जो आप एक्टिंग में, कहाँ से होगा, स्ट्रगल तो बढ़ेगा ना। काम बहुत है इंडस्ट्री में, बहुत काम है, बस आपको गोल सेट करना है कि मुझे ये करने आया हूँ, यही मेरा प्रायोरिटी है सर। अभी तो ये है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है ना, कि अब काम करने का अगर लगन है ना तो बहुत सारी। देखिए, पहले सिर्फ फिल्म हुआ करती थी, अब टीवी आया, टीवी के बाद वेब सीरीज आ गया, यूट्यूब चीज़ें आ गई, इतनी सारी सारे जितने भी टीवी चैनल हैं अपना पोर्टल पे कर रखे हैं, हॉट स्टार है, बोट है, MTV है, कितनी सारी, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, बट वही बात है ना, चीज़ वही है, फोकस नहीं है। जो फोकस कर रहे हैं उनको काम मिल रहा है, जिनका फोकस नहीं है फिर वही कि स्ट्रगल बहुत है इंडस्ट्री में, तो ये होता है वो होता है। अरे भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी होता है, आप मेहनत तो करो, आप इन सब की बातों को छोड़कर आप मेहनत करने हो जिस पे उस पे तो ध्यान दो। सारा टाइम बीच में रहोगे, सारा टाइम जिम में रहोगे तो एक्टिंग कब करोगे भाई? हम घर से नहीं करते, अगर काम के लिए तो हम काम करेंगे ना, मेन प्रायोरिटी वो होना चाहिए। लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट जिस चीज़ के लिए आए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लोग नहीं करते हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ काम करने के लिए, कुछ भी चीज़ के पागल करने के लिए नशा करने की ज़रूरत है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो करने का चीज़ होता है ना, जो मुझे करना है चीज़, इससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता है। मेरा मानना ये है, मैं भी जब इंडस्ट्री में आया था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अभी कुछ टाइम की बात है, लोग कहते थे कि तुम यार रात को पार्टी में क्यों नहीं जाते हो, किस लिए पार्टी जाओ, तुम्हें लोग जानेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर हो, तुम्हें काम मिलेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं आज भी इन सबसे से बहुत हूँ, नशे से दूर हूँ, अपनी पार्टी से दूर हूँ, मुझे इस चीज़ का नशा है ना सर, कि मुझे करना है, मेरा मेहनत, मेरा टैलेंट ही सब कुछ है। अगर चलिए ठीक है, आपके पास गया, आपके थोड़ी चपलूसी कर दी, काम दे दी, लेकिन जब मैं करके दूंगा तभी तो आप भी आगे करोगे ना सर। ये लोग नहीं समझने की सर, वही बात है ना, नज़रिया है, सोच की नज़रिया है, सब कुछ आस पास ही, बस देखो आप वो देख रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ, खुद से भी तो देखो। ये चीज़ होती है, नशा कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए, काम करने के नशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता, मेरा मानना है। धन्यवाद सोनू, और आपको शुभकामनाएं।